सिर्फ रॉ और आईबी नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, नेवल इंटेलिजेंस आती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस आती है। तो फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है और आईबी उसकी रिपोर्ट देती है, फिर रॉ से वेरीफाई करा जाता है, कुछ फाइनेंस में कुछ बहुत पैसा इधर से उधर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैक रायन की सीरीज देखी है, जैक रायन जो अमेज़न प्राइम पर है ओटीटी, तो उसके अंदर वो फाइनेंशियल टेररिज्म पे काम कर रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कौन सी है जो उस पर ध्यान रखती है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर। रॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्म होती है, इसका मेन रीजन बनेगा 1962 इंडो चाइनीज वॉर। What is Intelligence Bureau and what is RAW? Two major intelligence agencies of the country, internal agency जो internal security threat को देखती है वो Intelligence Bureau, और आपकी external intelligence threat को जो देखती है वो है आपकी RAW, Research and Analysis Wing, RNAW. Please don't ask IB RAW की operational details and everything, I've already told you. ठीक है, आप पे भी ओसा लगेगा, मुझ पे भी लग जाएगा, फिर पता चला हम दोनों IB की जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो it is considered the oldest surviving intelligence organization in the world, serves as India's internal security agency, responsible for mitigation domestic threats. IB falls under the authority of Ministry of Home Affairs. Minister of Home Affairs कौन है आपके? अमित शाह सर। और अगर आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखें इंडिया में, तो इसमें जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप्स हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है। ये तीनों क्या करते हैं, ये तो हमारे स्कोप ऑफ लेक्चर से बाहर है, क्योंकि आज हम सिर्फ आईबी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने बस इसलिए डाला है कि जो आईबी के डायरेक्टर है, और आईबी के करंट डायरेक्टर कौन है, तपन डेका सर, करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का जो टॉप मोस्ट ऑफिसर जो आईबी को लीड करता है उसको हम बोलते हैं डीआईबी। डीआईबी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो आईबी डायरेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप एज वेल एज ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पीएम इफ द नीड बी। अगर पीएम को रिपोर्ट करना है या होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जीआईसी। तो जीआईसी के अंदर क्या होगा, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिर्फ रॉ और आईबी नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, नेवल इंटेलिजेंस आती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस आती है, बहुत सारी और भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है और आईबी उसकी रिपोर्ट देती है, फिर रॉ से वेरीफाई करा जाता है, कुछ फाइनेंस में कुछ बहुत घपले हुए हैं, पैसा इधर से उधर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैक रायन की सीरीज देखी है, जैक रायन जो अमेज़न प्राइम पर है ओटीटी, तो उसके अंदर वो फाइनेंशियल टेररिज्म पे काम कर रहा होता है, जिसके लिए फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कौन सी है जो उस पर ध्यान रखती है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर। पैसे के बिना तो टेररिज्म का यूज हो नहीं सकता, पैसा तो चाहिए ना। अगर आपको कहीं पे बम फोड़ना है, गोलियां चलानी, तो गन चाहिए होगी, पैसा खरीद के ही तो लेकर आओगे। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी में आईबी डायरेक्टर भी उसका पार्ट है, जिसको हम डीआईबी भी बोलते हैं। किस किस काम के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल है? काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, यानी टेररिज्म के अगेंस्ट, काउंटर इंटेलिजेंस की मेरी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी अगर ISI कर रहा है, यूज कर रहा है इंटेलिजेंस, उनके इंटेलिजेंस के अगेंस्ट काउंटर इंटेलिजेंस, कि वहां से भी हम उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के लिए आए। इंटेलिजेंस कलेक्शन इन बॉर्डर एरिया, जैसे कि जम्मू और कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया आपका, या फिर आपके चाइनीज बॉर्डर को चले जाए, आप नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे चले जाए, यहां पर आपको आईबी रॉय सब मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, क्योंकि बॉर्डर्स टच हो रहे हैं। इंडिया का मैप देखें तो उसके ऊपर जो गोल्डन क्रेसेंट का अफगानिस्तान की तरफ है और म्यांमार की तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। डिपेंड करेगा, सुनिए एग्जाम कब होता है, बट अगर फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर तो आपको करना चाहिए। तो आप जैसे कि हमारी एजेंसीज है यहाँ पर, ऐसी अमेरिका की इंपॉर्टेंट एजेंसी कौन सी है, CIA हो गई उनकी, इसराइल की कौन सी हो गई, मोसाद हो गई, तो अलग अलग कंट्रीज की, पाकिस्तान की कौन सी हो गई, ISI हो गई, और रशिया की भी है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, FSB, FGB कुछ करके नाम है उसका, वो रशिया की हो गई। दीज आर वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एजेंसी ऑल्सो मेंटेन्स पार्टनरशिप विद फॉरेन एजेंसीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एजेंसीज इन UK, US एंड इसराइल। अभी G20 समिट हुआ था इंडिया में, सो इट बिकेम अ नाइटमेयर फॉर सिक्योरिटी, और इस टाइम पर आप पर अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है, साइबर अटैक्स आप पर बढ़ जाते हैं, ताकि इंडिया की इमेज को गिराया जा सके, ताकि इंडिया की डेवलपमेंट को गिराया जा सके। मान लीजिए G20 का समिट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करी जाएगी
होगी ताकि G20 में इंडिया की नाक कटे और ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क उठे, जैसे पाकिस्तान में उठता रहता है। तो ऑन सिक्योरिटी अपरेटस, चाहे आप रॉ की बात करें, आईबी की बात करें, CAPF की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत प्रेशर होता है टू मेंटेन देम एंड बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि कोई भी इंसिडेंट ना हो। अब बात करते हैं आईबी न्यू ऑर्गेनाइजेशन वॉज बॉर्न। सो अब अंटिल 1968 यानी कि अगर भारत की बात करेंगे, चाहे उसकी बाहर की इंटेलिजेंस हो या इंटरनल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी? आईबी। बट ये अब बदलने वाला था। 1962 वॉर के अंदर हम इंटेलिजेंस लेवल पर काफी जगहों पे फेलियर हुए और मोटा मोटा ये भी बताया गया कि द वर्क बर्डन इज ऑल्सो वेरी हाई ऑन आईबी टू मेंटेन इंटरनल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज डिसाइडेड कि एक्सटर्नल एजेंसी एक अलग बनाई जाए और उसी को बनाने के लिए उसका जो नाम रखा गया वो बनना रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फेमस आईबी डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टीजी संजीवनी पिल्ले, 49 ईयर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट फ्रॉम मद्रास प्रोविंस इन आईबी, वाज द फर्स्ट डीआईबी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो फर्स्ट। उसके बाद एमके नारायणन, सो एमके नारायणन इज फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एंड वाज डीआईबी 1991 to 1992. He was National Security Advisor of India from 2005 to 2010. और M.K. Narayanan ने जितना हमको पता है from जब उनकी since he was sir जो है आपके IPS officer भी थे, तो IPS की training के बाद उन्होंने directly intelligence bureau ही join करा था, तो इनकी सारी life intelligence में ही गई। So superb intelligence officer M.K. Narayanan sir. After that I don't need to tell you, no need to give you सर इंट्रोडक्शन। डोवाल साहब तो लेजेंड आदमी है, इवन चाहे वो आप गोल्डन टेम्पल अटैक की बात करें या मौलाना मसूद अजहर की बात करें, सो ही इज अ लेजेंडरी ऑफिसर। इफ यू हैव स्टडीड अबाउट हिम और जो इनकी कीर्ति चक्र की स्टोरीज है, आई एम श्योर आपको पता होंगी। जो अजीत कुमार डोवाल केसी कीर्ति चक्र इज द फिफ्थ एंड द करंट NSA सिंस 2014 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड ही हैज डन वंडरफुल जॉब। He previously served as the Director of Intelligence Bureau in 2004 to 2005 after spending a decade as the head of its operation wing. Or operation wing ही वो है, I don't need to tell you operation wing क्या करती होगी, right? आप सब बड़े समझदार बच्चे हो, operation wing क्या करती होगी? आप सब ने बहुत Bollywood और Hollywood की movie देखी है, तो operation wing, you're very smart people, I'm very sure कि operation wing का क्या काम होगा। और डोवाल साहब के तो बहुत सारे interview भी है जहां पर वो अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट ये जो है आपके तपन डेका सर, 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, करंट डायरेक्टर सर हैज बीन द फोर फ्रंट ऑफ ट्रैकिंग टेररिस्ट एंड रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। तो करीबन दो डेकेड का सर का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स मोर देन 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग टेररिस्ट और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? धर्म को यूज कराया जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म को यूज करते हो और रेडिकलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर आप कश्मीर में जाते हैं तो वहां पर जिहाद को यूज करा जाएगा, रिलीजन को यूज करा जाएगा दंगे कराने के लिए, टेररिस्ट बनाने के लिए। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट कश्मीर, तो कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन है, HEM, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया आपका वहां पर। तो जो लोकल कश्मीरी लड़के उनको टेररिस्ट बनाने में काम करता था, 2017 से उनकी बैकबोन तोड़ दी गई। अगर आपने लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो सर को फॉलो करा है, उन्होंने काफी मतलब उनकी कितने गाजी गए, अपने ऑपरेशंस की बात करी है, क्या क्या चीजें उन्होंने करी, तो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो 2017 से लेकर अब तक आप देखो कश्मीर में कितने सारे चेंजेस आ गए। रॉ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो दिस बिकेम अपेरेंट व्हेन इंडियाज लैक ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्शन अगेंस्ट चाइना रिजल्टेड इन इंडियाज डिफीट ड्यूरिंग 1962 साइनो इंडिया बॉर्डर वॉर। अब इस जंग के अंदर हम फॉरेन इंटेलिजेंस कम गैदर कर पाए, या जो इंटेलिजेंस आई उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक्ट नहीं करा। अगर आपने हिमालयन ब्लंडर करके किताब पढ़ी है तो पता लगेगा आपको उसके अंदर। तो एनीवेज फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्शन उस टाइम पे बोला गया पुअर है, नहीं हो पाया, एंड दैट इज व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड कि हमारा फॉरेन इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो। थ्री इयर्स लेटर इंडो पाकिस्तान वॉर होती है 65 में, यानी 1962 के फेलियर से हमें लगा कि हमें एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके बाद हमको पता लगा कि 1965 वॉर के अंदर कि ये जो हमारा थॉट है दिस इज एक्चुअली नीडेड। तो इन 1968 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपॉइंटेड आर.एन. काउसर रामेश्वर नाथ काउ एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ रॉ, और इनको प्यार से जेंटलमैन स्पाई मास्टर भी बोलते हैं। और जितना मुझे याद है इनके जो फादर थे वो, इफ आई एम करेक्ट, ही वॉज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एंड ही केम फ्रॉम
Kashmiri Pandit's family. As per sources and reports of external agencies, with around 250 employees, an estimated budget of near about 2.95 crore, then RAW undertook two primary missions. अबे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी कोलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि रॉ मेरे को देकर गया है और ना ही कभी देके जाएगा. जितनी भी ओपन सोर्स पे इंफॉर्मेशन है आई एम शेयरिंग इट विद यू. ये नहीं सर रॉ के बारे में आप कैसे बता रहे हो, ये ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, पुराने आर्टिकल से मिल जाएंगे. उस बेसिस पर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि आपको बेसिक इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में चार पांच बातें पता हो. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप तैयारी कर रहे हो, कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं, तो वो है पाकिस्तान में जाने वाली मिलिट्री इक्विपमेंट पे कंट्रोल करना एक, दूसरा पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज चाइना और पाकिस्तान में क्या चल रही हैं. अब जरा वो ब्रिटिशर वाले अगर आपको आर्टिकल याद है तो थोड़ी देर पहले हमने आईवी का पढ़ा, वो भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे ना. ब्रिटिशर्स वाज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट ये इंडियंस क्या कर रहे हैं पॉलिटिकली, इनका थॉट प्रोसेस क्या है. तो रॉ भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी पता करानी है कि जो हमारे दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान, इनके अंदर इनकी मिलिट्री एक्टिविटीज क्या है. क्या ये भारत पे अटैक करने वाले हैं, क्या इनकी कोई नई यूनिट आ रही है, किसी जन्म हो रहा है, किस तरीके से हम पे अटैक करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, और फ्यूचर के अटैक्स को प्रिडिक्ट करना, बेसिकली इंटेलिजेंस गैदर करना, वेरिफाइबल इंटेलिजेंस को गैदर करना, और हमारी एग्जीक्यूटिव फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज है, डिफेंस फोर्सेज है, उनके साथ शेयर करना. सो एनीवेज कमिंग बैक टू रॉ, यहाँ पर बहुत फेमस फोटो आप बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर अंडर द गेज ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा. तो बहुत फेमस पिक्चर है. सो रॉ हिस्ट्री अंडर आर एन काउ लीडरशिप फ्रॉम 1968 टू 1977, करीबन 11 साल रॉ प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस सपोर्ट विच रिजल्टेड इन मेनी सक्सेसफुल ऑपरेशन. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने बांग्लादेश का क्रिएशन करवाया. क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, डिफीट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 71-72 वॉर, एक्सेशन ऑफ सिक्किम इन 1975 एंड द इंक्रीज ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, इसमें रॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा. ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास का टाइम यही खत्म होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वील कंटिन्यू. जय हिंद एवरीवन, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और आपको मजे आ रहे होंगे. कीप स्टडिंग हार्ड, मेहनत करना स्टार्ट कर दो. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद. पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से.